नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने अपने डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करे थे। मैंने आपके कमेंट वहीं से पिकअप किए हैं और आपके जो डाउट है इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इसके अलावा फेसबुक या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए अपनी वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला कमेंट आया है, जो फर्स्ट कमेंट आया है, उसमें ये पूछा गया है कि सर मुझे क्या जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो घर से ही फिल करके लेके जाना है या फिर जो है एग्ज़ाम सेंटर पे फिल करना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फॉर्म है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, जो कि आपका जो एडमिट कार्ड है बिल्कुल उसके नीचे आया है, तो वो आपको जो है घर से ही फिल करके लेके जाना है। उसमें सिर्फ आपका जो सिग्नेचर है, यानी कि जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में करना होगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको घर से ही फिल करके लेके जानी है। ओके, चलिए अगला कमेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सर एडमिट कार्ड पे चार पेज है तो क्या हमें चारों पेज लेके जाने हैं। मैं समझ गया इनका, ये कह रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के साथ ही आपको कुछ गाइडलाइन भी दी गई है, तो क्या वो गाइडलाइन वाला पेज भी आपको लेके जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि वो गाइडलाइन आपको जो है रीड करने के लिए है और उसे जो है फॉलो करने के लिए, तो जो उसमें लिखा गया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और उसे फॉलो भी करना है जो गाइडलाइन उसमें दी गई है। बट आपको लेके सिर्फ आपका जो एडमिट कार्ड है एंड एडमिट कार्ड के साथ जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है, वो लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड प्लस आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये आपको अपने साथ लेके जाना है। इसके साथ ही आपको एक जो है प्रूफ आईडी भी लेके जानी है। ओके, वैलिड प्रूफ आईडी आपको लेके जानी है। चलिए अगला कमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इन्होंने हिंदी में लिखा है और ये पूछ रहे हैं कि सर अंगूठे का निशान घर से लगाना है या फिर वहीं पे लगाना है एग्जाम सेंटर में। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो आपका जो ये पूछ रहे हैं, आई थिंक ये जो थंब इंप्रेशन है उसके बारे में, राइट। तो ये आपको घर से ही करके लेके जाना है, एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको घर से ही फिल करके लेके जानी है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला कमेंट देखते हैं। इन्होंने कमेंट तो वैसे काफ़ी बड़ा लिखा था बट मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इसे कर दिया है। इनका ये कहना है कि सर मैंने बीए होनर्स प्लस बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो क्या मुझे जो है एग्ज़ाम एक ही देना पड़ेगा या फिर मेरा जो है एग्ज़ाम अलग अलग लगेगा। ओके, तो देखिए, अगर आपने बीए होनर्स के लिए डाला था तो अगर आपने दो सब्जेक्ट डाले हैं बीए होनर्स के लिए तो आपका एक ही पेपर होगा। बीए का तो एक पेपर होने वाला है, कॉमन पेपर आपका होगा, राइट। अगर आपने ये जो है बीएससी एंड प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड जो कोर्स है इस बार ही ऐड किया गया है आयुर्वेदा का, तो इसका आपका एग्जाम अलग होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स का जो एग्जाम है वो आपका अलग होगा और बीए ऑनर्स का जो आपका एग्जाम है वो अलग होगा। उसका डेट रखा गया है बीए ऑनर्स वाले का वो 6 तारीख रखा गया है और जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है इसका 8 तारीख रखा गया है। ओके, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। चलिए अगले कमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला कमेंट ये आया है कि सर मैंने 3 लैंग्वेज ली है तो क्या मुझे 3 एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, आपको सिर्फ 1 एडमिट कार्ड लेके जाना है क्योंकि आपका जो पेपर है वो कॉमन पेपर होगा। सो इस केस के अंदर आपको सिर्फ 1 ही एडमिट कार्ड लेके जाना है, 3 एडमिट कार्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अगला कमेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सर एग्ज़ाम पूरे 3 घंटे का होता है, सपोज़ मैंने जो है 2 घंटे में एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया तो क्या मैं अपनी सीट छोड़ के, मीन्स एग्ज़ाम सेंटर छोड़ के जा सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है तो आपको पूरे 3 घंटे वहीं पे देने हैं। जब तक कि आपको नहीं कहा जाए सीट छोड़ने के लिए तब तक आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है, राइट। तो आपको पूरे 3 घंटे कंप्लीट करने हैं, चाहे आपने 1 घंटे में पेपर कर लिया हो चाहे 2 घंटे में पेपर कर लिया हो, लेकिन आपको जब तक वहाँ से गाइडलाइन नहीं मिल जाती तब तक आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है। बिल्कुल भी गलती आपको इस केस में नहीं करनी। ओके, चलिए अगला कमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सर नॉर्मली एग्ज़ाम के कितने दिन बाद इंटरव्यू होता है। अब देखिए, इन्होंने किसके रिगार्डिंग पूछा है, इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, बट मैं अगर इन्होंने बीए ऑनर्स के रिगार्डिंग पूछा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि बीए के अंदर आपका सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, उसे आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। इंटरव्यू आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर में। ओके,
चलिए हम लोग अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि सर अगर सेम फोटो ना हो तो चलेगा। देखिए इन्होंने भी काफ़ी बड़ा कमेंट किया था, बट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है उसमें आपको फोटो लगाना है, राइट। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सेम फोटो होना चाहिए जो कि आपने एग्जाम फॉर्म भरते समय डाला था, आपके एडमिट कार्ड में है, वो फोटो आप जो है लगा सकते हो। तो इस केस में अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग फिर कहाँ से लेके आएंगे? आप नॉर्मली दूसरी फोटो यूज़ करेंगे, बट वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, जैसे कि आपका जो एडमिट कार्ड में जो फोटो है बिल्कुल उससे मैच खाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आपका जो फोटो मैच नहीं खा रहा, राइट। तो इस केस में आप ये कर सकते हो। चलिए अगला कमेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि सर एग्जाम सेंटर चेंज कराने में थोड़ा हेल्प कीजिए प्लीज सर प्लीज। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाने के लिए मैंने जो है मेल किया, मेरी पूरी टीम से, मैंने टीम में जो भी मेंबर है उनसे मैंने मेल करवाया। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने भी जो है NTA को मेल करा है इसके रिगार्डिंग आपके सपोर्ट में, क्योंकि हो ऐसा रहा है कि जो इस बार ये एग्ज़ाम हो रहा है JNU का, उसी डेट को जो है यहाँ पर ये जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम है, तो कुछ बच्चों के शायद सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम भी उस टाइम है। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ NTA को मेल कर सकते हो। हो सकता है कि NTA आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज कर दे, तो इस केस में आप NTA को मेल करिए। आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है जो आपको चाहिए NTA वहाँ पर चेंज कर दे। तो ये आपको लास्ट टाइम में बता दिया जाएगा, अगर चेंज NTA करता है तो कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा उसके माध्यम से, जो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ओके। चलिए हम लोग यहाँ पर अगला कमेंट देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जो है सेशन एक्सपायर हो रहा है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप अपना इंटरनेट स्पीड चेक करिए, और वैसे आप जो है साइबर कैफे से डाउनलोड करवा लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड है उसे, वहाँ से प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि आपको वैसे भी उसका प्रिंट आउट तो निकलवाना ही है। तो आप मोबाइल को छोड़िए और साइबर कैफे पे जाइए और आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ से निकलवा लीजिएगा, वहाँ पर वो ईजिली आपको जो है अपना एडमिट कार्ड निकाल के दे देंगे, ओके। चलिए हम लोग अगला कमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे अगला कमेंट आया है कि सर मेरे दो फील्ड का एग्ज़ाम डेट सेम है, तो क्या एंड एक का अलग है, सॉरी इन्होंने पूछा है कि मेरा जो है दो फील्ड का एग्ज़ाम डेट सेम है और एक का अलग है, तो मुझे कितने पेपर देने होंगे? तो यहाँ पे आपको दो पेपर देने होंगे अगर आपका जो है दो फील्ड का यानी कि दो लैंग्वेज का पेपर एक ही डेट पे है, क्योंकि वैसे भी बीए होनर्स का तो जो आपका पेपर है वो कॉमन हो रहा है, तो वो तो आपका एक अलग होगा ही। और आपका जो दूसरा पेपर हो सकता है कि आपने बीएससी प्लस एमएससी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आयुर्वेदा उसके लिए अप्लाई किया होगा, आपने जो कमेंट लिखा है वो क्लियर नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि उस केस में आपके दो एग्ज़ाम होंगे, बीए होनर्स वाला अलग होगा और बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स वाला जो है आपका अलग होगा, ओके। तो चलिए हम लोग अगले कमेंट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आगे क्या पूछा गया, राइट। तो अगला यहाँ पर ये जो कमेंट आया है इसके अंदर ये पूछा गया है कि सर जो एडमिट कार्ड है उसे कलरफुल प्रिंट करवाना है या फिर वाइट में चल जाएगा, ओके। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि इस बार क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है और आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे बारकोड अंकित किया गया है, तो आपका जो बारकोड है वो स्कैन होता है, राइट। तो यहाँ पर यह है कि आप जो अपना एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम सेंटर पर बिल्कुल सेफली लेके जाएंगे, अगर उस पर कुछ भी स्केच वगैरह हो गया तो कई बार क्या होता है कि स्कैन नहीं होता है, तो आपको बिल्कुल उसे सेफली लेके जाना है। तो इस केस में अगर आप चाहे तो कलरफुल भी निकलवा सकते हो, अगर आप चाहे तो वाइट भी निकलवा सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि जो आपका एडमिट कार्ड है बिल्कुल आप सेफली वहाँ पर लेके जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है कलरफुल यहाँ पे निकलवा सकते हो, ठीक है, वही पैसे आपके उसमें लगने वाले हैं और वही पैसे उसमें लगेंगे, ठीक है, तो आप कलरफुल भी निकलवा सकते हो। चलिए अगला कमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सर मैंने तीन सब्जेक्ट डाले थे, तो क्या मुझे तीनों का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है प्लीज़ सर बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने MA के लिए तीन सब्जेक्ट डाले हैं, ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है तो बिल्कुल आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। JNU क्या है कि आपको एक टाइम में तीन सब्जेक्ट फिल करने का चांस देता है, मिनिमम आप एक सब्जेक्ट डाल सकते हो और मैक्सिमम जो है आप उसमें तीन सब्जेक्ट डाल सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों ने शायद तीन सब्जेक्ट इसलिए डाले हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये जो बाकी के दो सब्जेक्ट हैं इन्हें अगर खाली छोड़ देंगे तो शायद हमारा फॉर्म फिल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जो है डाल दिया और अब उनको जो है एक एग्ज़ाम देना है। तो उस केस में आप लोग एक एग्ज़ाम दे सकते हो, और काफ़ी सारे लोगों को पता होता है कि हाँ हम लोग एक सब्जेक्ट ही डाल सकते हैं, तो वो लोग वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट फिल किए होंगे,
तो यहाँ पर यह है कि आप लोग जो है अगर एक एग्जाम आपको देना है तो दे सकते हो, जिसका आपका तैयारी अच्छा है उसका आप एग्जाम दे सकते हो, कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ कमेंट जो कि इंपॉर्टेंट थे, सो मैंने डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप जो है उन पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर जो आप कॉल भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको जो है फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप लोग वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये जो आपने कमेंट किया है ये तो आपने किया ही है, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेरी है जैसे कि मतलब जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है उनके लिए है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वीडियो को और देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कि एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा जो पेपर है वो किस मोड में होगा, तो पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो क्वेश्चन जो है आपके MCQ आएंगे, एक आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शन होंगे, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको वहाँ पर देना होगा, ठीक है। टाइमिंग जो आपका 3 घंटे का रहेगा। तो दोस्तों ये था कुछ एक्स्ट्रा के अंदर उन लोगों के लिए जिनको अभी तक नहीं पता है कि JNU का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आई होप कि उन्हें भी जो है पता चल गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि कोई डाउट है तो डाउट मत रखिए, आप मुझे जो है कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप NTA को जो है कॉल करके या मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।